नजीबाबाद में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने हत्यारोपी तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि बीती 28 मई को नजीबाबाद में हाईफाई प्रॉपर्टी डीलर, बसपा नेता हाजी एहसान और उनके भांजे की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से ही पुलिस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी थी, जिसके बाद अब पुलिस ने हत्यारोपी दानिश, खुर्शीद और दाऊद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्याकांड में 14 आरोपियों के नाम सामने आए हैं और शाहनवाज गैंग का सरगना है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शाहनवाज गैंग के तीन शार्प शूटर और मुखबिरी करने वाले खुर्शीद, दानिश और दाऊद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। नजीबाबाद में दिन दहाड़े हुए डबल मर्डर एहसान खान और उसके भांजे का, इसका खुलासा करते हुए नजीबाबाद पुलिस टीम ने आज तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये हैं खुर्शीद, दानिश और दाऊद। इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। घटना में मुखबिरी करने के लिए जो मोबाइल फ़ोन यूज़ हुआ था उसको भी बरामद कर लिया गया है। कॉल रिकॉर्ड्स मैच करा लिए गए हैं। जानकारी हुई है कि शहनवाज जो इनका सरगना था, इनके गैंग का सरगना है, वो विवादित संपत्तियों पर कब्जा जमाने के लिए उनसे पैसा कमाकर और फिर आने वाले समय में चुनाव लड़के यहाँ पे अपना प्रभाव जमाना चाहता था और एक बहुत बड़े गैंग का संचालन करके इस क्षेत्र पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। इनकी विस्तृत विवेचना की जा रही है। इनके साथ जो अन्य लोग हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है, उनके रोल के बारे में विवेचना की जा रही है। अभी तक कुल 14 लोगों का नाम प्रकाश में इस विवेचना में आया है। इनके अलावा और कौन लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं उसकी भी विवेचना अभी जारी है। इस मर्डर से कई सारे मकसद उसने अपने साधे हैं। एक, वो आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहता था जिसमें एहसान उसके सामने एक रोड़ा बना हुआ था। दूसरा, एहसान खुद कई विवादित संपत्तियों में इन्वॉल्व था जिसमें शहनवाज का इंटरेस्ट भी टकरा रहा था। शहनवाज को मारने से उन विवादित संपत्तियों पर कब्जा करने की इनकी पूरी टीम की योजना थी जिससे ये पैसा अर्जित कर पाए। इसके अलावा वर्चस्व की लड़ाई जिससे क्षेत्र में इनका प्रभुत्व बढ़ जाए और इनसे लोग डरें, उनसे ये रंगदारी वसूल सकें, भाड़े पर हत्या करवा सकें, इस तरह की इनकी काफ़ी बड़ी योजना थी। इन्होंने अपना प्लान बनाया हुआ था कि हम पकड़े नहीं जाएंगे और किसी तरह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बच जाएंगे और हमारी पूरी योजना को खोला नहीं जा पाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत लोग हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ की गई है, तो बहुत सारी चीज़ें इनसे क्लियर हैं।